Welcome to my channel. For study related help, please click on a subscribe button and share this video if you like. So let's get started. Today I am going to sharing spectroscopy notes on the topic of vibrational energies. Of diatomic molecules. So firstly हम थ्योरी पढ़ेंगे, देन इसकी रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे. टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली इंट्रोडक्शन देते हैं इसका. कंसीडर वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम. टू पार्टिकल सच एस डाई एटोमिक मॉलिक्यूल अटैच टू अ स्प्रिंग. ओके, तो इसमें एक ऐसे वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल का जो सिस्टम होता है उसे लिया जाता है जो कि एक स्प्रिंग से अटैच होता है, जिसमें कि हम वाइब्रेशन देख सकते हैं. ओके, देन है द ओनली मोड ऑफ वाइब्रेशन इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्रिंग और ए बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. इसमें जो है उनका सिकुड़ना और फैलना, स्प्रिंग इस टाइप से होनी चाहिए जो सिकुड़ भी सके और फैल भी सके, जिसमें दो एटम्स के बीच एक बॉन्ड हो. देन आता है द डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स x1 एंड x2. द एक्सटेंसिव ऑफ स्प्रिंग इज x2 माइनस x1. ये हमने रिएक्शन के लिए लिया है. जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो x1 और x2 हैं, और जो एक्सटेंसिव निकालेंगे हम स्प्रिंग का वो x2 माइनस x1 करके निकालेंगे. देन द रिस्टोरिंग फोर्स इज देन गिवन बाय f x2 माइनस x1. तो यहाँ से ये आ गया दे वेयर f इक्वल टू फोर्स कॉन्स्टेंट. द मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ एज फॉलोज. न्यूटन लॉ आपको पता होगा, m1d² x1 / dt² इक्वल टू माइनस f x2 - x1. यहाँ पे हमने दोनों साइड माइनस ही लेके रखना है. देन सेम हम इसकी टाइप की रिएक्शन m2 ले लेंगे. m2d² x2 / dt² इक्वल टू f x2 - x1. ये हमने इसका जो बेसिक फॉर्मूला था जिससे पूरी रिएक्शन बनती है ये वाइब्रेशनल एनर्जीज की, वो ले ली है. अब इसमें आगे आपको रिएक्शंस बनानी है. तो यहाँ पे देखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिएक्शन सो दैस वी नॉट इक्वल टू 1/2π √f/μ. व्यू जीरो या वी नॉट भी आप इसे बोल सकते हो इक्वल टू फंडामेंटल नेचर फ्रिक्वेंसी एंड म्यू इक्वल टू रिड्यूस मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम्स. ओके, तो ये आपकी रिएक्शन फर्स्ट निकल के आ गई है. इसे आप वी नॉट भी बोल सकते हो और वी जीरो भी बोल सकते हो. देन Here also the fundamental frequency depend on the force constant and reduced mass of a system. According to quantum mechanical model, the potential energy is given by Vx equal to 1/2 f(x2 - x1)². अगर आपने potential energy पढ़ी है quantum mechanical में आएगी, तो उसकी reaction ये होती है. इसे हम reaction 2 नाम दे देंगे. ठीक है, first ऊपर वाली हो गई, second ये हो गई. वो V naught थी, ये Vx से है. Then है substituting it in the Schrodinger wave equation. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा क्या होती है वो इक्वेशन. फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी आएगी, हालांकि मैं जल्दी ही इस पे भी वीडियो शेयर करने वाली हूँ. बट यहाँ पे आपको ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी, इन्हें अब फिल कर देना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में. तो d² ω/dx² + 8π²μ/n² एंड देन कोष्टक में e - 1/2 f(x²ω) = 0. ये होगी इक्वेशन 3. तो यहाँ पे हम x की जो वैल्यू थी वो पुट कर देंगे. देन इक्वेशन आएगी आपके सामने, दस वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज e = h0 v + 1/2. जहाँ v का जो वैल्यू होगी इसकी वो हो सकती है 0, 1 and 2 से लेके. v इज कॉल्ड वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. एक फ्रिक्वेंसी v0 इज गिवन बाय इक्वेशन 1. देन कन्वर्टिंग एनर्जी इनटू स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट्स, देन आपके सामने ये रिएक्शन आ जाएगी. ठीक है, इक्वल टू v + 1/2 μ0 cm - 1. ये इक्वेशन 5th आ जाएगी. देन आपको पढ़ना है ये डायग्राम. ये डायग्राम आगे वैल्यू होगी इसकी. सिंपल सा डायग्राम है बट अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट वे से अगर आप देखते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन हम क्या होगा, v0 की वैल्यूज़ निकालेंगे. देन डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर v कैन बी डराइव्ड फ्रॉम इक्वेशन 5th, जैसा कि पीछे इक्वेशन 5th थी उसमें से. तो यहाँ पे हम देखेंगे v बराबर 0 होगा तो e0 = 1/2 μ v0 naught भी आप बोल सकते हो cm माइनस. देन v इक्वल टू 1 लेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा. v इक्वल टू 2 लेंगे तो ये e
थ्री की वैल्यू, एक टू की वैल्यू कर देंगे और ये फिफ्थ हो जाएगा, लाइक ऊपर वो चीज़ पुट होती चली जाएगी। और ये सारा जो प्रोसीजर है वो होगा आपका इस वाले डायग्राम से, डायग्राम ए से, और जो डायग्राम मैंने आपको पीछे ऊपर दिखाया था डायग्राम बी से, उसमें कुछ नहीं है, लेवल्स आपको बढ़ा लेने हैं। देन सबसे नीचे लिखेंगे वी इक्वल टू वन, ऊपर वी इक्वल टू टू, वी इक्वल टू थ्री, ऐसे आपको फिफ्थ तक जाना है। डायग्राम में सिर्फ यही है। देन है इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव अ जीरो एनर्जी एंड एटम्स ए मॉलिक्यूल कैन नेवर बी कम्प्लीटली टू रेस्ट रिलेटिव टू अदर ईच अदर। ओके, देन है अप्लाइंग सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल आपको पता होगा केमिस्ट्री में पढ़ा है, डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस वन फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। तो यहाँ से आपकी डायएटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी निकल के आ जाएगी और ये रिएक्शंस यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है। एंड देन आपको थोड़ी सी थ्योरी लिख के इसे एक्सप्लेन कर देना। सो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ का जो टॉपिक था वो यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल एज अ टीचर, एज अ क्लास नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो बाय बाय।